हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। अच्छा जी गाइस, तो कल अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न मैं गेम प्ले जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। सो आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे काम जमा हुआ पड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और यहाँ पे चलो अच्छी बात है, ये पता नहीं क्या है लेकिन मेरे ख्याल से जायंट सॉफ्टवेयर वाला ने थोड़ा सा ये चेंजेस कर दिए हैं। जब भी आप किसी मशीन के करीब जाओगे ना तभी वो एक्टिवेट होगी, खुद से अदरवाइज़ वो जो है वो एक्टिवेट नहीं होती। और ये वही फार्मिंग सिमुलेटर 23 के जो कंट्रोल्स का डिज़ाइन है उसके ऊपर हम लोग पहले भी बात करते रहते हैं कि ये व्हीकल स्विच वाला बटन जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अक्सर ये स्लाइडर को यूज़ करते वक्त जो है वो आप मिस्टेकनली क्लिक कर देते हो और फिर होता ही है। आप यहाँ पे देखो मैंने हार्वेस्टर कहाँ पे खड़ी कर रखी है। फिर ये होता ही है कि बेसिकली व्हीकल जो है वो स्विच हो जाती है और बड़ा ये अनोइंग सी चीज़ जो है वो नज़र आती है, मुझे तो लगती है आप लोगों का। मुझे नहीं पता वैसे आप लोगों में से किसी की ऐसे होती भी है, हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जायरो यूज़ करते हो। मैंने यार ना जायरो कभी इतना यूज़ नहीं किया। आई एम नॉट यूज्ड टू जायरो। आई बिलीव कि ये वाले कंट्रोल ही अच्छे हैं, लेकिन चलो आज मेरा ख्याल है कि आज हमें जो है वो जायरो यूज़ कर ही लेना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग। तो वाह, अभी यहाँ पे जो है ना जायरो का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि इससे मेरे को ना रिवर्स नहीं करनी आती, क्योंकि मैंने कभी जायरो जो है वो इतना यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर डेड जोन भी है जायरो में, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम काइंड ऑफ फीलिंग के यहाँ पे थोड़ा सा जैसे है ना डेड जोन होता है, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे है कंट्रोल्स में। लेट्स सी। ओके जी, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और जायरो को यूज़ करते हुए भी मैं कोई बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से मैं इसको रिवर्स करने के बजाय, क्योंकि अब मैंने वैसे भी जायरो ऑन कर रखे हैं, सो बेहतर यही है कि मैं इसको टोटली जो है वो घुमा के ले आऊँ, क्योंकि यहाँ से रिवर्स तो ये होने नहीं वाली। ओके सो अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे गाइस जगह जो है ना पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं। मतलब कहीं और पे भी रख सकते थे, कहीं और जगह पे भी, बट यहाँ पे इन्होंने ये रखे हुए हैं। सो अभी हम चल के देखते हैं कि क्या टेलर शॉप ने कुछ प्रोड्यूस करा भी है या नहीं, क्योंकि जो क्लॉथ्स हैं वो यहाँ पे तो हमें नज़र नहीं आने थे क्योंकि हमने इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग पे लगा रखा था। सो अभी जो है वो चल के हम देखते हैं टेलर शॉप पे कि वहाँ पे क्या बनता है, और आई होप कि कम से कम एक पैलेट जो है वो बन ही चुका होगा, लेकिन हो सकता है कि ना भी बना क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हमने स्पेंड नहीं किया है। OMG, यहाँ पे तो गाइस दो पैलेट बन चुके हैं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैक्सिमम भी मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो यही था कि, अरे वाह, ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मतलब आ ही जाएंगे दोनों। चलो गाइस वाओ, सो ये मतलब क्या ना कमाल हो गया यार थोड़ा सा। मतलब मैं एक ही पैलेट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो एक तो दो निकल आए एक की जगह, और वाओ दैट्स रियली सरप्राइजिंग। और यहाँ पे पिछले गेम प्ले में अभी हमने सिंपली भी देखो बहुत सारा जो है वो कनोला प्लांट किया था, एंड इसकी रीज़न ये थी कनोला इतना ज़्यादा प्लांट करने की, क्योंकि भाई हमने जो है वो कनोला ऑयल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर रखी है, और कनोला जो है वो हम काफ़ी स्पीड से यहाँ पे कंज्यूम करते जा रहे थे, और न्यू जो है वो कनोला हमारे पास कोई इतना था नहीं। सो ये एक रीज़न थी हमारे यहाँ पे कनोला प्लांट करने की। सो वो भी मेरे ख्याल से रेडी टू हार्वेस्ट हो गया होगा, क्योंकि मैं तो इसी हिसाब से चलता हूँ कि जब भी मैंने कोई क्रॉप हार्वेस्ट करनी हो। ओके तो इसको दूसरी साइड से ले आते हैं गाइस, और ये ग्रास का मुझे नहीं पता अभी ये रेडी टू हार्वेस्ट हुआ होगा कि नहीं, तो इसको भी एक नज़र जो है वो मार लेते हैं। ओके तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रास का जो है वो स्टेटस चेक करते हैं क्या है। ऑलराइट सो यस वाओ अनबिलीवेबली, ये भी रेडी टू हार्वेस्ट है, कमाल हो गया यार। चलो ये तो वैसे मैंने ऑलरेडी हार्वेस्ट कर रखा है, सो इसको अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे जब हम बड़ी वाली हार्वेस्टर लगाएंगे ना किसी भी फील्ड में,
ये जो सीडर्स हैं ये कैचअप नहीं कर पाते, सो दैट्स द रीज़न। सो अभी जो है वो अगस्त का मंथ चल रहा है, सो यहाँ पे हार्वेस्ट करने के बाद मैं जो है वो एक दफ़ा कनोला हार्वेस्ट करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे सोयाबीन जो है वो प्लांट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर मेरे को कहीं पे दिक्कत आई भी ना, कोई प्रॉब्लम आई भी ये जायरो को लेके, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मतलब कि सीखने की कोशिश करूँ कि जायरो के ऊपर कैसे करता हूँ, क्योंकि अगर मैं मतलब कि फोर्सफुली ख़ुद को यूज़ नहीं करूँगा जायरोस, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी जो है वो यूज़ कर पाऊँगा। हालांकि दूसरी गेम्स में मैं थोड़े बहुत करता हूँ यूज़, जैसे कि फॉर इंस्टेंस पबजी हो गई, जब मैं खेलता था पबजी तो अब उस ज़माने में जो मैं जायरो यूज़ किया करता था। एंड ज़्यादातर वैसे मेरे को रेसिंग गेम्स में ना जायरो पसंद नहीं है इन जनरल। आई बिलीव इन फिज़िकल कंट्रोल्स के आपके थंब के नीचे हो, सो उसमें मेरे को थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रिसाइज लगता है कंपेयर टू जायरो। जायरो का ये है कि पूरा डिवाइस टिल्ट करो और आप खुद भी जो है फिर हिल रहे होते हैं, सो ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे सीड टाइप जी मैं चेंज कर रहा हूँ टू सोयाबीन अगेन, बिकॉज अभी हमने जो है वो गाइस सिंपली पैसा कमाना जितना हो सकता है, सो दैट्स द होल पर्पस। क्योंकि अभी हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस प्रोग्रेस से पीछे जो हमने एंड्रॉयड के ऊपर छोड़ी थी, सो पहले तो हमने उसको कैचअप करना है, फिर आगे भी हमारे जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने सोच रखे हैं जो कि हमने करने हैं, ठीक है। सो ये सोयाबीन यहाँ पे प्लांट हो रही है, और अभी मैं इस ट्रैक्टर के पीछे भी जो है वो सीडर रिकनेक्ट कर देता हूँ। और पहले मेरे ख्याल से मुझे जो ट्रेलर है ना, अभी ट्रेलर कहाँ पे है, वेयर इज़ माई ट्रेलर, वो पड़ा हुआ है। अबे यार इसमें तो कोई क्रॉप भी होगी यकीनन, शायद सोयाबीन हो, शायद सोयाबीन। वैसे मैंने सेल नहीं की जून, इस बार मैंने स्किप कर दिया, वैसे ही मैंने सोचा एक ही बार इकट्ठी करेंगे सेल, सो इसलिए मैं ये एक टर्म की सोयाबीन जो है वो सारी कलेक्ट कर रहा हूँ। सो ये अगस्त का महीना चल रहा है, सो जुलाई और जून ये दोनों मंथ मैंने जो है वो जानबूझ के स्किप किए हैं, बिकॉज़ आई डिड नॉट वांटेड टू सेल माई कनोल सोयाबीन, और मैं चाहता था कि अभी जो नेक्स्ट बीट आएगी उसमें हम लोग जो है वो इकट्ठी ही सेल करें इसको। तो ये जितनी भी इसमें सोयाबीन है इसको हम कर देंगे जी एम्प्टी, और ये टिप्पर वहाँ पे खड़ा करेंगे जहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि भर जाएगी ये हार्वेस्टर। फ़िलहाल तो ये दो फील्ड से मुझे नहीं लगता कि ये भरने वाली है, क्योंकि सोयाबीन का यील्ड जो है वो खासा डिसअपॉइंटिंग होता है। सो बड़े फील्ड के जो है वो करीब में जाके ये टिप्पर पार करने जा रहा हूँ। इसको इस तरफ से जो है वो मैं ले चलता हूँ, बल्कि यार ये तो कनोला है और कनोला गाइस इसका यील्ड ज़्यादा होता है, क्या करूँ गाइस यहाँ पे। ठीक है फिर मेरे ख्याल से एक ट्रैक्टर ये कर लेगा कैचअप थोड़ा बहुत, नहीं कर पाएगा यार यहाँ पे ऑलरेडी देखो कितना गैप आ चुका है, इवन दो कि मैंने हार्वेस्टर के ऊपर भी जो है वो हेल्पर लगा रखा है, फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो गैप आ चुका है। सो ये मैं पिक कर लेता हूँ भाई खुद ही, ये इसने तो घंटा लगा देना, तो वैसे मैंने खुद अच्छा खासा टाइम लगा दिया, पर चलो कोई बात नहीं, खुद को तसल्ली तो हो जाती है कि भाई हेल्पर को फायर कर दिया, वही स्लो था। इसके बाद हम अगले फील्ड में जो है वो हेल्पर हायर कर देंगे, और हेल्पर के पीछे ही हम दूसरा वाला सीडर जो है वो भी लगा देंगे, और जैसे ही ये भरेगी तो ये टिपर जो है वो मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट जगह पे पार्क कर देता हूँ। यहाँ पे तो वैसे मैंने जो है वो टेम्परेली रख छोड़ा है, सो इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट प्लेस, सो लेकिन यह है कि इसको मैं बाद में किसी अप्रोप्रिएट सी जगह पे छोड़ देता हूँ। ओके सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा साथ ही साथ हम लगे हाथ जो है वो एम्प्टी भी कर लेते हैं अगर होती है तो, ताकि ये फील्ड हम लोग जो है वो सुकून से हार्वेस्ट करें, इसको अगले फील्ड में ले जाएं। और वैसे अनलोडिंग स्पीड इस हार्वेस्टर की अच्छी खासी है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। चलो जी ये हो गई है जी यहाँ पे, तो
यहाँ पे अबे यार फोल्ड नहीं होना था। तो यहाँ पे क्विक नज़र लगा लेते हैं जी प्रोडक्शंस के ऊपर, और कनोला ऑयल जो है वो चलो अभी मैं रहने ही देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो वैसे भी स्टोर भी कर लेती है। तो ये जी यहाँ पे हेल्पर लगा दिया, और अभी ये हार्वेस्टर तकरीबन तकरीबन ये बड़े फील्ड में जाके फिल होएगी। सो ये टिपर जो है हम थोड़ा सा किसी अच्छी जगह पे अच्छे स्पॉट पे जो है वो पार्क कर देते हैं, ताकि बाद में हम सिर्फ़ और सिर्फ हार्वेस्टर को ही इस टिपर तक लेके आएं, इस टिपर को कहीं पे भी ना लेके जाना पड़े हमें। सो यहाँ पे ये ट्री आ जाएगा अनलोड करते वक्त, और यहाँ पे पार्क कर देते हैं जी इसको। ठीक हो गया, आई होप कि अभी कोई ट्रैक्टर इसमें नहीं आके घुसेगा। अच्छी खासी एक हेड्स अप स्पेस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि बिल्कुल भी ये ट्रैक्टर सिंगल सीटर के साथ जो है कैचअप नहीं कर सकते ना। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो जो सीडिंग करते हैं हेल्पर्स उनका कोर्स और होता है, वो मतलब पहले फॉरवर्ड जाते हैं फिर रिवर्स करते हैं, इस तरह से नखरे जो है वो करते रहते हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि हार्वेस्टर जो है हमारी, उसका हेडर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे सीडर हमारे पास इससे बड़ा कोई डायरेक्ट सीडर है ही नहीं। इससे बड़े जितने भी सीडर हैं वो उन सारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी में फर्टिलाइज़र नहीं डलता तो कोई जो है वो डायरेक्ट सीड नहीं करता। सो ये मसले मसाइल हैं। सो इस बड़ी बात वैसे मुझे याद आ गया इसका सीड चेंज करने का, वरना मैंने ऐसे ही लगा देना था। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, और अक्सर मेरे से ये मिस्टेक जो है वो हो जाती है। सो यहाँ पे अगेन हमने लगा दी है सोयाबीन हार्वेस्टिंग। यहाँ पे अभी कभी कभी मेरे दिल में सवाल उठता है कि एक तीसरा ट्रैक्टर भी होना चाहिए था, जो कि थोड़े बहुत लाइट वेट किस्म के टास्क जो है वो कर लेता। सो लेट्स सपोज अगर हमने बाय करना एक थर्ड ट्रैक्टर, सो विच ट्रैक्टर इट कुड बी? सो मेरे ख्याल से जो तीसरा ट्रैक्टर होगा वो या तो ये फेंट का होगा, 7000 सीरीज़ का ट्रैक्टर, अच्छी हॉर्स पावर है इसकी भी, तो या फिर स्मॉल ट्रैक्टर्स में ये जॉन डियर 6M। जॉन डियर 6M हमारे पास पहले था, 300 सीरीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव निकल जाती है, तो 5S के ऊपर भी मेरी बड़ी देर से नज़र है, बिकॉज़ न्यू है। और ये वाल्ड्रा का G सीरीज़ का ट्रैक्टर ये भी न्यू है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। सो रियली मतलब कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रैक्टर बाय करें, क्योंकि देखो आप बार बार तो जो है वो ट्रैक्टर बाय नहीं कर सकते, और एक ही कैटेगरी के ट्रैक्टर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते अपने फार्म के ऊपर, बिकॉज ऑफ कोर्स हु वुड डू दैट। मतलब आपने कोई 7-8 जो है वो स्मॉल ट्रैक्टर ही रखे हो अपने फार्म पे, सो ये भी मतलब समय से बाहर है। ओके, तो यहाँ पे गाइस देखो मेरे को ना मसला आ रहा है जायरो का। सो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हार्वेस्टर किस तरफ को मुड़ेगी। ओके हियर वी गो। सो ये यहाँ पे जी इस रो में अक्सर ये हेल्पर जो है ना हार्वेस्टर पे जब लगा हुआ हो तो प्रॉब्लम्स जो है वो करता है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली रो है ना मैं खुद ही पिक कर लेता हूँ, हेल्पर को कष्ट देने को रहने देते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट प्राइस अगर हम देखें, अगर हमने कोई चीज़ सपोज सेल करनी हो, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट किस चीज़ की प्राइस है। सो क्लॉथ्स की प्राइस होगी हाईएस्ट अप्रैल के मंथ में, ठीक है, और इसी तरह से फिर हमारे पास बच जाता है कनोला ऑयल, इसकी प्राइस हाईएस्ट होगी नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो अभी नवंबर में थोड़ा सा टाइम मज़ीद पड़ा है, होपफुली। अभी ये क्या कर रहा है भाई? अच्छा ठीक है, कोई और नहीं कर रहा, मैं ही ड्राइव कर रहा था। सो नवंबर का मंथ मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर और अक्टूबर दो मंथ पड़े हैं अभी नवंबर में। सो हमारे पास अगर मैं चेक करूँ प्रोडक्शंस में, सो कनोला ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, जस्ट 8000 लीटर्स लेफ्ट। सो ये भी हमें जाके अभी फ़ौरन से जो है उसको रिस्टॉक करना पड़ेगा, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो रुके नहीं। सो अभी ये जितनी भी इस फील्ड से ये हार्वेस्टर भरेगी ना, सो मैं इसको टिप्पर में अनलोड करने की बजाय कोशिश करूँगा के डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे करीब ही है, सामने खड़ी हुई है। सो इसलिए मैं इसको कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट जो है मैं इसको ले के जाऊँ ऑयल मिल के ऊपर ही, और वहीं पर ही एम्प्टी कर आऊँ। सो यहाँ पे 1600
1000 लीटर कैपेसिटी है गाइस इस हार्वेस्टर की। तो इसको भरने में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके यहाँ पे पीछे जो है वो बिन है, जिसमें आप नज़र मतलब बिन में विंडो लगी हुई है, जिससे आप देख सकते हैं कि कहाँ तक चल रही है। वैसे काफ़ी गंदी हो रखी है, इसको धुलवाया भी नहीं है मेरे ख्याल से जब से आई है, बस ये काम पर लगी हुई है। सो चलो अभी ये भी किसी दिन काम कर लेंगे टाइम निकाल के। सो अभी हमारे पास पैसे जो रह गए हैं वो हैं जी $53,000। एंड वाह, मतलब देख लो गाइज हमने कितना सारा काम कर लिया। और एक तरफ ये हेल्पर है कि इससे ये एक फील्ड जो है वो अभी तक प्लांट नहीं हुआ। सो दैट इज़ हाउ मच स्लो दीज हेल्पर्स आर। और ये दो सीटर लेके मैंने जो है वो कोई कारनामा नहीं किया। ये मतलब देख लो कि आप कितनी ज़्यादा नेसेसिटी थी। मतलब इमेजिन करो कि अगर मेरे पास दो सीटर नहीं होते, सो मतलब एक तीन फील्ड जो है वो मेरे हार्वेस्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक ये जो है वो एक सीडर से एक फील्ड जो है वो पीछे से प्लांट नहीं हुआ। सो आपको इस तरह से जो है वो अपने फार्म के ऊपर जितने भी बॉटलनेक्स हैं उन सब को ढूंढना है, उनको फिक्स करना है, क्योंकि जितने कम बॉटलनेक होंगे उतना ही आप जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली इस गेम में जो है वो पैसा बना पाओगे। तो यहाँ पे देखो सीडर के ऊपर जब भी कोशिश करो, आप खुद कर सकते हो तो खुद करो, और अगर मेरी तरह लेज़ी नहीं हो तो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि सीडिंग के ऊपर ये हेल्पर लोग जो है वो कितना वक्त जो है वो बर्बाद कर देते हैं। सो ये मेरे ख्याल से एक प्रो टिप है जो कि मैं किसी भी बंदे को दे दूँगा। सो यहाँ पे अगर पॉसिबल है आपने NDLC बाय कर रखा है, तो इससे ये वाले डायरेक्ट सीड सीडर से बेहतर है कि आप अमेजोन सीटन ले लो। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके आगे आपको एक कल्टिवेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सीड नहीं करता, बट इट विल बी स्टिल फास्टर। वो फिर भी इससे ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि इसका जो कोर्स है ना वो डेवलपर्स ने बहुत ही ज़्यादा टेरिबल और बुरा बना रखा है। सो इसके जो कोर्स करेक्शन है ना वो चाहिए, इसको अपडेट में चाहिए किसी में, कि वो इनका जो कोर्स है ना जो ये हेल्पर लोग यूज़ करते हैं सीडिंग करने के लिए, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करें। अबे यार हाई स्पीड के ऊपर जायरो, चलो यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। वेरी बैड एट रिवर्सिंग। तो यहाँ पे जी 80% का मैसेज आ चुका है हमें। अबे कैसे होता है रिवर्स जायरो से। चलो इसको यहाँ पे फिलहाल मैं हेल्पर लगा के थोड़ा सा तो स्ट्रेट लाइन कर लूँगा। चल भाई भाग जा। और अब यहाँ पे इसको हम खुद ही कर लेते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो ये प्लांट हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि थोड़ा सा वो मिस आउट जो है वो कर जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वो खुद प्लांट कर रहा हूँ इस फील्ड के इस साइड के ऊपर, जो है ना थोड़ा सा लोचा चलता रहता है हेल्पर लोगों का। यहाँ पे अभी देखो कि ये मतलब कि यहाँ पे मुड़ सकता है ट्रैक्टर, लेकिन हेल्पर लोग जो है वो कभी भी यहाँ पे ट्रैक्टर अपना जो है वो टर्न नहीं करेंगे इतने के सर्कल से। वो मतलब फुल पहले रिवर्स करते हैं, फिर जो है वो फॉरवर्ड लेके आते हैं, और भाई इस तरह से है ना अच्छा खासा टाइम जो है वो वेस्ट करके फिर जो है वो एक रो लेके चलते हैं। सो दैट्स टेरेबल गाइज, दैट्स एब्सोल्युटली टेरेबल। और अब मैं और कितनी मतलब कि इसको जो है वो एंडोर्स करूँ। एनीवेज अभी हम इसको लगा देते हैं क्ले फील्ड में, और होपफुली हार्वेस्टर की क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, तो जब तक वो दूसरे सीडर को जो है वो हम मिडल में लगा देते हैं। तो यहाँ पे जी टैंक फुल हो चुका है हमारी हार्वेस्टर का। तो यहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे ये हेल्पर लगा के हार्वेस्टर को जो है वो सिंपली ले चलूँगा, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक मैं वापस आऊँगा हेल्पर जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच चुका होगा, नहीं पहुँचा होगा। तो वो सामने ही जो है वो गाइस ऑयल मिल है, उधर हम ले जाके ये सारे का सारा कनोला जो है वो अनलोड करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो देयर। और जितना भी हमारा कनोला कम हो रहा है उसको हम बेसिकली यहाँ पे रिस्टॉक कर रहे हैं। चलो जी, काफ़ी इजी है मैनूवर करना अगर स्पीड कम हो तो जायरो के साथ। तो यहाँ पे ये चार पैलेट्स बेसिकली बने पड़े हैं, और स्टोरिंग में ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने जो है वो नहीं उठाए हैं।
वरना मैंने अगर स्टोरिंग में थोड़े से पड़े होते तो मैंने उठा लेने थे, बट स्टोरिंग में ज़्यादा है नहीं पैलेट्स, तो इसलिए मैंने जो है ये वाले ऑयल पैलेट्स जो है वो नहीं उठाए। ओके, सो ये 16,000 लीटर्स जो है वो अनलोड होने के बाद अब हमारे पास कनोला रह चुका है जी 24,000 लीटर्स। गुड, दैट मीन्स कि अब ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो जल्दी रुकने नहीं वाली है। सो अभी हम इसको हार्वेस्टर को ले जाके वहीं पे ही कंटिन्यू कर देते हैं जहाँ पे हमने इसको लास्ट टाइम जो है वो रोका था। कभी कभी है ना यहाँ पे ये बिल्कुल खड्डे से बने होते हैं तो पता भी नहीं चलता, बहुत जो है वो रेकलेस ड्राइविंग हो जाती है खुद ब खुद ही। चलो जी, ये देखो अभी सिर्फ और सिर्फ उसने सेकंड रो में आया है अभी, मतलब हम पूरा पीछे हार्वेस्टर को अनलोड कर रहे हैं और अभी तक वो सिर्फ जो है वो सेकंड रो में आया है। सो दैट्स हाउ स्लो दीज हेल्पर्स आर। राइट गाइस, सो यहाँ पे अभी मैं जो है वो अगेन इसको जो है वो कंटिन्यू करूँगा जो अभी हमने अब ऑलरेडी किया, यही प्रोसेस अब रिपीट होने वाला है। सो मैं मिलता हूँ आपसे गाइस अगली वीडियो में, और तब तक मैं ये सारा हार्वेस्ट कर चुका हूँगा और लेट्स सी कि अब नेक्स्ट गेम प्ले में मेरा प्लान बन रहा है कि मैं एक ट्रैक्टर जो है वो अपने फार्म पे मज़ीद ले आऊँ, बिकॉज़ एज़ यू गाइस कैन सी कभी कभी मुझे जो है वो अभी सख्त ज़रूरत महसूस होती है एक तीसरे ट्रैक्टर की। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी जो है वो यहाँ पर लो हो चुकी है। बाय बाय गाइस।